Assalamu alaikum ji, introduction to electrodynamics, Griffiths ka 4th edition hai, problem 3.17, chapter 3 chal raha potential ka, wo kehta hai P3x nikalo from Rodrigues formula, aur batao ke jo P3 cos theta hai, wo satisfy karta hai angular equation, jo aapke paas 3.6 hai, L3 ke liye, aur P3 aur P1 orthogonal hai, aapke paas integration ke zariye proof karenge, ab sabse pehle, जो रोड्रिग्स फार्मूला होता है हमारे पास इसमें हम P3 को लेके चलते हैं P3 रख देंगे L की जगह 3 आ जाएगा जहां जहां L आ रहा है उसकी जगह 3 लग गया अब इस सारे को 8 into 6 आ जाएगा ये d क्यूब ओवर dx क्यूब x स्क्वायर माइनस 1 है इस सारे को हम अलग-अलग कर सकते हैं एक दफा करेंगे d ओवर dx अलग कर लेंगे और d स्क्वायर बाय dx अलग कर लेंगे और यहां पे एक दफा उसे डिफरेंशियल कर लेंगे ये सेकंड ऑर्डर में दिखा रहने देंगे अब ये 1/8 आपके पास 1/48 चल रहा था तो इसमें से ये कॉमन लेके 6 3 और 2 6 है ना बाहर आके 48 से 8 आ जाएगा और रिमेनिंग फैक्टर को एक दफा फिर x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे 1 बच जाएगा d/dx तो इस सारे में से x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है तो ये x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x आ जाएगा अब इसमें से जब हम कहेंगे तो d ओवर dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि यानी ये फैक्टराइजेशन जिसे आप कह सकते हैं कि वो आ जाएगा आपके पास 2x यानी एक दफा फिर डिफरेंशियल कर लिया आपने सारी चीज को dx के लिहाज से ये ब्लू कलर में हमने लिखा हुआ है कि ये x स्क्वायर माइनस 1 है ग्रीन रेड में ग्रीन में ये लिखा हुआ है तो पहले वाले का डिफरेंशियल कोई दूसरे प्रोडक्ट रूल लग गया इस तरह से सिंपल सा फिर आपके पास इस सारे को अंदर जरब दे दिया है इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 20x क्यूब माइनस 12x आ जाएगा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये 5/2x क्यूब माइनस 3/2x अब हम जानते हैं कि P3 cos theta को सेटिस्फाई करना है एंगुलर इक्वेशन को वो जिसका हवाला दे रहा था ना कि इसको एंगुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो ये है तो इसमें जो P की वैल्यू आई है उसे थीटा से डिफरेंशियल करके sin theta से मल्टीप्लाई करके इसे फिर d theta से डिफरेंशियल करके 1 ओवर sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब इसके बराबर आना चाहिए और इस केस में हम 3 लेके चल सकते हैं तो अब आपके पास पहले से P3 cos theta हम जानते हैं इस सारे को 5/2x क्यूब माइनस 3/2x है और x की जगह हम क्या लगा सकते हैं cos x तो cos cube x cos theta आ जाएगा cos common ले लिया हमने तो ये 1/2 cos theta 5 cos square theta minus 3 आ जाएगा अब इसे हमने ये बनाना है dp by ये रेड कलर में हाईलाइट किया कि इससे पहले सॉल्व करेंगे फिर इसकी वैल्यू 1 ओवर sin theta में लगा डाल देंगे तो पहले dp ओवर d theta तो dp 3 by d theta से डिफरेंशियल कर लेंगे प्रोडक्ट रूल लग के सॉल्व कर लेंगे तो ये टूल आ जाएगा आपके पास अब इसमें से अगर देखा जाए तो ये 3 3 से कट जाएगा रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा आपके पास 10 cos square theta पर ये टोटल आपके पास इसे कॉमन लेके लिख लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे ना तो -3/2 आ जाएगा sin theta 5 cos square theta -1 अब ये चीज बन चुकी है इसे sin theta से मल्टीप्लाई कर दे के फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा और d कांस्टेंट y लेके d ओवर d theta लिख लेंगे तो इस सारे को फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो ये सारी चीज अब आपके पास एक आइडेंटिटी के रूप में आ जाएगी तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं sin theta cos theta ये रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास इसमें फिर से सारी चीज को दोबारा प्लेस कर देते हैं इसमें तो 1 ओवर sin theta से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 ओवर sin theta से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये sin theta जो इससे कट जाएगा रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा आपके पास तो अब इसमें सिंपली वर्जन है इसको अंदर जाके जरब दे देंगे तो ये आपके पास इस तरीके से लिखा जा सकता है तो कॉमन लेके हमने इसे बाहर निकाल लिया 2 cos theta को रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये -3 ये 4 हो गया ये आपके 1/2 cos theta 5 cos square theta ये हम जानते हैं P3 cos theta के बाद होता है सिर्फ P3 लिखा जा सकता है तो ये 3 आ गया 4 की जगह L+1 आ गया ये आपके पास P3 आ गया तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है एंगुलर इक्वेशन को अब हम जानते हैं P1x x के बराबर है P3x x के बराबर है इसे हम इंटीग्रेट करते हैं -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली कांस्टेंट बाय रखे से इंटीग्रेट किया जवाब 0 आ गया तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है ऑर्थोगोनल है दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब तक की जितना ही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अल्लाह हाफिज़